हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में निहित आपातकालीन प्रावधान के बारे में, यानी इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। हम आपको बताएंगे वो तीन प्रावधान जो इमरजेंसी के भारतीय संविधान में निहित हैं, और साथ ही बताएंगे वो किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। हम आपको बता दें, भारत में आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के संविधान से उधार लिए गए हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थिति की परिकल्पना की गई है, जिसमें पहली निहित है अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। उसके अलावा अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356, जिसमें राज्य के आपातकाल की बात की गई है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रावधान अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। हम आपको बता दें, भारत में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अब तक कभी भी नहीं लगा है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को गंभीर माने तो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हमने आपको बताया भारत के इमरजेंसी प्रोविजन किस अनुच्छेद में निहित हैं, किस देश से लिए गए थे, वो लिए गए थे जर्मनी से। हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको हमारे इंडियन पॉलिटी के सेशन में। आज इतना ही, थैंक यू।